गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त उमेश आर्या फ्रॉम उमेश आर्या फिटनेस। मैं लिखने में थोड़ा बिजी हो गया था और यहाँ पे आप क्लियर देख रहे होंगे, मैंने लिखा है 10 दिन में 10 किलो वजन कम करें। आज का जो टॉपिक है, जो मैं आज ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये फैट लॉस के ऊपर रहेगा और वेट लॉस के ऊपर रहेगा, किस तरीके से आप अपने वजन को कम करेंगे, कितना कम करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, जानकारी देने से पहले, मैं ये बताना कहना चाहूंगा आपको कि अगर जो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊं सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप उसकी जानकारी लें। क्योंकि रेगुलर बेसिस पर कई सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। रिसेंटली मैंने अभी आप लोगों के लिए कुछ ही समय पहले मैंने हार्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, किस तरीके से आप अपने हृदय को यानी कि अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। उससे पहले मैंने डायबिटीज के ऊपर एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ किस तरीके से आप अपना वेट लॉस करेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो लिखा है 10 दिन में 10 किलो वजन कम करें। आज मॉर्निंग में मैं उठा, वर्कआउट करा, वर्कआउट करने के बाद ऐसी मैं देख रहा था इंटरनेट पे और वेट लॉस जैसी मैंने इंटरनेट पे टाइप करा तो इस तरीके के कई सारे टॉपिक्स मेरे को दिखाई दिए, जिसमें कई सारे जगहों में लिखा था कि 15 दिन में 15 किलो वजन मैंने कम करा, 5 दिन में मैंने 5 किलो वजन कम करा, 10 दिन में मैंने 10 किलो वजन करा। सो आज हम बात करेंगे कि क्या प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है कि आप 10 दिन में 10 किलो वजन कम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एवरेज एक दिन में 1 किलो वजन कम करना। सो लेट्स एनालाइज, आज एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से हम अपने वजन को कम कर सकते हैं एंड क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है 10 दिन में 10 किलो वजन कम करना या एक दिन में एवरेज 1 किलो वजन कम करना। सी, वजन कम करना या फिर फैट लॉस करना ये सिंपल कनेक्टेड है हमारी डेली लाइफस्टाइल और हमारी डेली डाइट से, फूड से, एंड कनेक्टेड है हमारी कैलोरीज इनटेक से। जाहिर सी बात है, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि अगर जो आपको अपना वजन कम करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत जरूरी है। कैलोरी डेफिसिट जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500, आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, यानी कि कम से कम आपको 400 से 500 कैलोरीज रिड्यूस करनी है अपने डेली कैलोरी इनटेक में से। और वो कैसे रिड्यूस करनी है और कहां से रिड्यूस करनी है आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप वो कैलोरीज अपनी कम करेंगे और किन में से आप कम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा कि कितनी कैलोरीज बर्न होने पे हमारा कितना किलो वजन कम होता है। सो कहते हैं कि जब आप 3500 कैलोरीज बर्न करते हो, 3500 कैलोरीज जब आप बर्न करते हो तब आप रिड्यूस करते हो 1 pound ऑफ योर वेट। सिंपल बात, अब 1 pound को अगर जो मैं किलोग्राम में लेके चलूं तो लगभग ये 450 ग्राम, लगभग आधा किलो से थोड़ा सा कम, 450 ग्राम, या इसको अगर जो मैं आसान कैलकुलेशन के लिए ले लूं तो आधा किलो वजन आप कम करते हो। अब जब आप 3500 कैलोरीज कम करेंगे तब आप आधा किलो वजन कम करेंगे, यानी कि जब आप 7000 कैलोरीज बर्न करेंगे तब आप 1 किलो वजन कम करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक दिन में 1 किलो वजन कम करना, यानी कि एक दिन में 7000 कैलोरीज बर्न करना प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यस गाइस, ये चीज प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको देना चाहूंगा, एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जिसकी लेट्स से उसका उसकी हाइट है 6'3" फॉर एग्जाम्पल, और उसका वजन है 100 किलोग्राम फॉर एग्जाम्पल, और वो एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेके चले कि अगर जो वो अपनी वेट को मेंटेन करने के लिए, अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए फॉर एग्जाम्पल 250 ग्राम प्रोटीन लेता है, 250 ग्राम अगर जो वो कार्ब्स लेता है, और फॉर एग्जाम्पल वो 100 ग्राम फैट लेता है अपने कैलोरीज के लिए, अपने डेली
वेट को मेंटेन करने के लिए। ओके, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तीन मेजर न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट, जिनसे आपको कैलोरीज मिलती है। बाकी विटामिंस में आपको जीरो कैलोरीज मिलेगी, मिनरल्स में आपको जीरो कैलोरीज मिलती है, साथ ही साथ फाइबर जो आप लेते हैं उसमें भी आपको बिल्कुल जीरो कैलोरीज मिलती है। यानी कि आपका वेट कम होगा या बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा मेजर इन तीन फूड के ऊपर, इन तीन न्यूट्रिएंट्स। अब सिंपल फॉर्मूला है, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इक्वल्स टू 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स इक्वल्स टू 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट, फैट के अंदर लगभग 2 गुना कैलोरीज होती हैं प्रोटीन और कार्ब्स के कंपैरिजन में, इनफैक्ट मोर देन 2 टाइम्स, लगभग 9 कैलोरीज। अब अगर जो मैं कैलकुलेट करके चलूं, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहां पे रब कर देता हूं, अब अगर जो मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन लेके चलूं कि वो 100 किलो का इंसान, 100 केजी का इंसान एक दिन में 250 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, इसको अगर जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, ये होगी 1000 कैलोरीज। वो 250 ग्राम कार्ब्स ले रहा है उसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, ये भी 1000 कैलोरीज। और अगर जो वो 100 ग्राम फैट ले रहा है उसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 900 कैलोरीज। अब टोटल कितना हुआ, 2900 कैलोरीज। 2900 कैलोरीज अगर जो वो ले रहा है और उसको अगर जो एक दिन में 1 किलो वजन कम करना है तो कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल। कुछ लोग होते हैं, देर आर फ्यू पीपल जो क्रैश डाइट में चले जाते हैं। क्रैश डाइट मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्रैश डाइट में लोग क्या करते हैं, अपने आप को भूखा रखते हैं पूरे पूरे दिन भर, वो बहुत कम कैलोरीज लेते हैं, मेंटेनेंस कैलोरीज से भी वो बहुत ज्यादा कम अपनी कैलोरीज कर देते हैं। नो डाउट उससे उनका वजन तो कम होता है बट कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। इनफैक्ट जो भी लोग वेट लॉस जर्नी में रहते हैं, जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, कोई भी डाइट चार्ट वो फॉलो करते हैं, मल्टीपल डाइट चार्ट्स अवेलेबल हैं आज की डेट में मार्केट में, वो कोई भी डाइट चार्ट फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं टफ लगता है उनको अपना वजन कम करना। और टफ इसलिए लगता है क्योंकि वो क्रैश, मेजोरिटी लोग जो होते हैं वो क्रैश डाइट में चले जाते हैं, जिससे होता ये है कि क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक, क्योंकि जब आप डाइटिंग पे रहते हैं और क्रैश डाइट पे स्पेशली आप चले जाते हो तो क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। तो एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रैश डाइट आप बिल्कुल भी फॉलो ना करें, क्रैश डाइट में आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि उससे एक तो कमजोरी भी आएगी, नंबर वन, नंबर टू फैट लॉस जर्नी आपकी बहुत टफ हो जाएगी क्योंकि क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर जो क्रैश डाइट को आपने फॉलो करके वजन कम कर भी लिया उसके बाद जब आप नॉर्मल डाइट में रहोगे, क्योंकि 12 महीने आप एक डाइट फॉलो नहीं कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट क्रैश डाइट आप 12 महीने फॉलो नहीं कर सकते। ठीक, तो होगा ये कि जैसे ही आप अपनी नॉर्मल डाइट में आएंगे, जितनी तेजी से आपने वजन कम किया है उतनी तेजी से आपका वजन दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि डाइटिंग जो है वो ऐसी चीज नहीं होती कि आपने साल में 3 महीने करिए, 4 महीने करिए, उसके बाद आपने करनी बंद कर दी। देर आर पीपल जो साल में 2-3 महीने बहुत अच्छी एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं और उसके बाद बाकी के पूरे साल वो खराब डाइट में रह के अपने वजन को उतनी ही 2-3 गुना तेजी से बढ़ा देते हैं। इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रेंक, मैंने भी अपनी लाइफ में ये सारी गलतियां करी हैं और आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि जो गलतियां मैंने अपनी लाइफ में करी हैं वो गलतियां आप लोग बिल्कुल भी ना दोहराएं। एक सिंपल तरीका, एक सिंपल फॉर्मूला ये है, जैसे यहाँ पे मैं छोटा सा लेके चलूं, फिर से मैं लिखता हूँ प्रोटीन कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 200 ग्राम, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप 1000 कैलोरीज ले रहे हैं प्रोटीन से पर डे, आप 1000 कैलोरीज ले रहे हैं कार्ब से पर डे, और लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप 900 कैलोरीज ले रहे हैं पर डे फैट से। तो अब आपको कैलोरीज अपनी कम करनी है, कैलोरी डेफिसिट में रहना है, तो सबसे पहले और फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो तरीका है आपको कैलोरीज कम करने का, आपको कैलोरीज अपनी कम करनी है अपने कार्बोहाइड्रेट में से। क्यों कम करनी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी के अंदर कार्ब्स जाते हैं उसको डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी वाटर होल्ड करती है,
राइट। अब जब आप अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम करेंगे तो बॉडी के अंदर जो वाटर होल्ड हो रहा है, ठीक, वो वाटर होल्ड नहीं होगा, वो फ्लश आउट होगा, जिससे आपकी बॉडी का फैट कम होने में आपको मदद मिलेगी। कितने कम करने, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, कितने कम करने हैं, लेट से फॉर एग्जांपल 200 कैलोरीज पर डे आपने करी अपने कार्ब से कम, एंड प्रोटीन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एंड फॉर एग्जांपल 200 कैलोरीज आपने कम करी अपने प्रोटीन अपने फैट से, ठीक, कितनी करी, 400 कैलोरीज कम करी। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्रोटीन में 100 कैलोरीज बढ़ा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, 200 कैलोरीज आप कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं अपने कार्बोहाइड्रेट से, 200 कैलोरीज आप रिड्यूस कर रहे हैं अपने फैट से, 400 कैलोरीज आपने अपने फैट और कार्बोहाइड्रेट से कम करी, बट आपने 100 कैलोरीज बढ़ा दी प्रोटीन से। एक्चुअल में आपने पर डे कितनी कैलोरीज बर्न करी अपने फूड से, वो करी 300 कैलोरीज। साथ ही साथ आप करते हैं वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्कआउट सिर्फ फैट लॉस के लिए ही नहीं, वर्कआउट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ओवरऑल आपकी वेलबींग अच्छी रहती है, एंड आप वर्कआउट करेंगे तो यू बिल्ड मसल्स ऑल्सो। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट, आप वर्कआउट करेंगे तो आप अपनी मसल्स भी बिल्ड करेंगे, और एक अच्छी मसल्स एक अच्छी पर्सनैलिटी का साइन होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने वर्कआउट करा और वर्कआउट से पर डे आपने 200 कैलोरीज बर्न करी, तो टोटल आपने एक दिन में कितनी कैलोरीज बर्न करी, 500 कैलोरीज। ये एक परफेक्ट प्लान है आपका कैलोरी डेफिसिट में जाने का। अब ये 500 कैलोरीज कम करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, ये आप कैलकुलेट करोगे अपने बीएमआर के हिसाब से। आज उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, गूगल पे बीएमआर बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, प्लस आपकी वर्कआउट एक्टिविटी के हिसाब से आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाती है। 500 कैलोरीज आपने एक दिन में बर्न करी, 7 दिन में आपने बर्न करी, 7 डेज में आपने बर्न करी कितनी, 500 × 7 3500 कैलोरीज आपने 7 दिन में बर्न करी, यानी कि आपने 7 दिन में 450 ग्राम यानी कि 1 पाउंड मोटा माटी आधा किलो वजन कम करा। 7 दिन में आधा किलो आपने वजन कम करा, 1 महीने यानी कि 28 दिन 4 हफ्तों में आपने कितना वजन कम करा, 2 किलोग्राम। प्लान कीजिए इस तरीके से, और इस डाइट को जो कैलोरीज कम करके जो डाइट मैंने आपको बताई है, इस डाइट को आप 12 महीने लगातार फॉलो कर सकते हो, ना तो किसी भी किस्म की कोई भी क्रेविंग होगी और ना ही किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ होगी। तो गाइस ध्यान रखिएगा, डाइट करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, प्रोवाइडेड आप सही तरीके से डाइट करें। प्लस एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके साथ कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पर ऐड करने बहुत जरूरी है, लाइक मल्टीविटामिन हो गया, ओमेगा 3 हो गया, दीज आर द सप्लीमेंट्स जो आपकी फैट लॉस जर्नी को और बेहतर बनाएगी, क्योंकि जर्नी जितनी ज्यादा बेहतर हो उतना ज्यादा बढ़िया रहता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा गाइस, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। क्यों मेजॉरिटी लोग फैट लॉस जर्नी में फेल हो जाते हैं, मेजॉरिटी लोग वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि पेशेंस नहीं हो पाता उनके पास बिल्कुल भी। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर आर फ्यू मोर थिंग्स, कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी किसी भी चीज की आदी हो जाती है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि अपनी कैलोरीज थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहे। जैसे आपने 4 हफ्ते तक लगातार रोज 500 कैलोरीज मतलब 300 कैलोरीज आपने अपने खाने से बर्न करी, अब आपको करना क्या है, 4 हफ्तों के बाद आने वाले 4 हफ्तों में आप एक काम कीजिए, आप अपने खाने से सिर्फ 200 कैलोरीज बर्न कीजिए, यानी कि 100 कैलोरीज अपने खाने में ऐड कर दीजिए, बट आपका टारगेट है 500 कैलोरीज बर्न करने का। जो पहले उसके बाद जो पहले के 4 हफ्ते में आपने 200 कैलोरीज वर्कआउट से बर्न करने थे, अब आपको वर्कआउट बढ़ा के 300 कैलोरीज वर्कआउट से बर्न कर देंगे। सो यू नीड टू keep changing your plans also, अपने वर्कआउट में भी आपने चेंज करना है और अपने डाइट में भी आपने चेंज करना है। इस तरीके से आप अगर जो करते रहेंगे तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट देगा, और जो तरीका मैंने आपको बताया कितनी कैलोरीज कम करने का, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको आप 12 महीने लगातार मेंटेन कर सकते हो। गाइस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो गलती मैंने अपनी लाइफ में करी वो गलती आप अपनी फैट लॉस जर्नी में बिल्कुल भी ना करें, आप 12 महीने एक अच्छी स्ट्रिक्ट बेहतरीन डाइट में रह सकते हैं। और एक मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, एक गलत फहमी कि डाइट फूड टेस्टी नहीं होता। गाइस एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, मैंने एक फैट लॉस प्रोग्राम शुरू किया है 12 हफ्तों का, जिनमें से आज मेरे 5 हफ्ते ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं और 7 हफ्ते अभी बाकी हैं, जिसमें मैंने एक वर्कआउट प्लान आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वो वर्कआउट वीडियोस आपको
उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उन वीडियोस को आप जरूर देखें। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए फुल डे ऑफ ईटिंग अलग अलग वीडियोस, टोटल 6 मील्स होंगी, तो अलग अलग 6 वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आने वाले इसी हफ्ते के दौरान या आने वाले 1 से 2 हफ्तों के दौरान मैं आपको वो भी शेयर करूंगा, तो उसमें से भी आप उसको फॉलो करके उसको कर सकते हैं। एंड जैसे ही मेरे 12 हफ्ते पूरे होंगे, आई शो यू माई रिजल्ट ऑल्सो कि 12 हफ्ते पहले जब मैंने ये प्लान शुरू किया था तब मैं कैसा था और 12 हफ्तों के बाद मेरा कैसा रिजल्ट आया। सो दिस इज इट, ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कई सारे क्वेरीज मेरे पास आती हैं फैट लॉस को लेकर, वेट लॉस को लेकर, फैट और वेट गेन को लेकर भी आती है, बट फिलहाल जो मैंने पहला टॉपिक रखा वो फैट लॉस के ऊपर रखा। किस तरीके से आप अपने वेट को गेन करेंगे, अपनी मसल्स को बिल्ड करेंगे और अपने फैट को गेन करेंगे, उसके ऊपर आगे जब ये फैट लॉस सीरीज खत्म होगी तो ये वेट गेन सीरीज मैं आप लोगों के लिए, मसल गेन बॉडी बिल्डिंग सीरीज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त उमेश आर्या फ्रॉम उमेश आर्या फिटनेस, ओवर एंड आउट, टेक केयर।